हाय, बहुत बहुत इंक्वायरी आ रही है रिगार्डिंग एनआरआई एलिजिबिलिटी। ये सबसे पहला सवाल तो यही है, बाद में आएंगे हम कि किस कॉलेज में कितनी सीटें एनआरआई के लिए अवेलेबल हैं और किस कॉलेज में या किस जगह पर आपको क्या क्या फॉर्म भरने हैं। सबसे पहले तो बेसिक, कौन सा स्टूडेंट है जो एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बन सकता है। तो देखिए, एनआरआई तो बहुत ऑब्वियस है और वही गवर्नमेंट चाहती थी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसको मिलती है जो स्टूडेंट खुद एनआरआई होता है, विच इज़ वेरी सिंपल कि पिछले कई सालों से स्टूडेंट खुद बाहर रह रहा है और 11th 12th उसने बाहर से करी है। नीट का एग्जाम भी बाहर से दिया होगा, इंडिया आके दिया होगा, बट उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो खुद आउटसाइड है, स्टूडेंट आउटसाइड है। तो दैट इज़ अ ट्रू एनआरआई, द स्टूडेंट खुद एनआरआई है। वो अगर नहीं है तो फिर एक कैटेगरीज हैं एंड वेरी ऑब्वियस इसकी, जो पेरेंट है वो एनआरआई है, उनके पास एनआरआई स्टेटस है। पेरेंट नहीं तो स्टूडेंट का सगा बड़ा भाई बहन, सगा भाई बहन। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस है जिसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेशन कहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री इज ऑलवेज कि जैसा कि मैंने कहा कि सगा ऑफ कोर्स पेरेंट या सगा भाई बहन, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हम एनआरआई में गिनते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन है जिसको हम रिलेशन में गिनते हैं इन टर्म्स ऑफ एनआरआई डेफिनेशन, राइट। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं जो कंसल्टेंट्स, गलत जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल हिंदी में बोलूँगा, इन इंग्लिश में लिखा है क्योंकि समझ में, ताकि आपको आ जाए, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर। दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं आपके चाचा ताऊ बुआ, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर, हिंदी में मामा जी और मौसा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑफ कोर्स नेक्स्ट रिलेशन नहीं चलेगा तो आपकी सगी मौसी होना चाहिए। मौसा है और मौसी इंडिया में रह रही है, डिवोर्स हो गया तो वो नहीं चलेगा। तो बच्चे की तरफ से मामा मौसी, बुआ चाचा ताऊ, राइट, ये रिलेशन होते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। या इसके अलावा दादा दादी, नाना नानी, सगे, कोई पापा के चाचा दादा नहीं चलेंगे, आपके सगे दादा दादी नाना नानी। और फिर पांचवा और लास्ट में आता है आपके सगे चाचा ताऊ मामी मौसा के बच्चे, जिसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री कजन्स, और इसको हम बोलते हैं एक तरह से सेकंड डिग्री ऑफ रिलेशन। इसके बाद कोई रिलेशन अलाउड नहीं है टू क्वालिफाई यू एज ए एनआरआई कैंडिडेट। तो चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप एनआरआई के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, बिफोर आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। बाकी एनआरआई की क्या डिटेल्स हैं, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, डीम तुम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ सीटें अवेलेबल हैं फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इसका वीडियो मैं आपको कल तक देता हूँ। धन्यवाद। और आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन 9643362320 एंड आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कज़न दादा के रिलेशन नहीं चलेगा। अक्सर फ़ोन आते हैं सर, फादर का फ़ोन आता है ना कि मेरे चाचा का बेटा बाहर रह रहा है, तो मैं कहा वो तो बच्चे का कज़न चाचा हो गया ना, तो बच्चे का कज़न चाचा नहीं चलेगा। बच्चे का सगा चाचा ताऊ बुआ मौसा मामा, उनके बच्चे और ऑफ कोर्स सगे भाई बहन और माता पिता, ये होते हैं जो कि ट्रू में एनआरआई। उसमें भी ऑफ कोर्स मेरा प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चा एनआरआई, माँ बाप, सगा भाई बहन। उसके बाद ये लोग आते हैं सेकंड लेवल ऑफ प्रायोरिटी में, उसके बाद कोई थर्ड लेवल प्रायोरिटी नहीं है। धन्यवाद।